हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 10 जनवरी 2020 के वेस्ट करेंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के सारा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। बीते दिनों किस बैंक ने मकान खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा भारतीय स्टेट बैंक ने किया है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, SBI के चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार, SBI के MD हैं अंशुला कांत और मुख्यालय इसके मुंबई में है जी। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। देखिए, इसका स्थापना पहले तो 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था, फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे के रूप में हुआ था, 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास के रूप में हुआ था और 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंक मिलकर के इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। बीते दिनों दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है जी, विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को हमने बताया था आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2006 से मनाया जाने लगा है जी। 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था इसी तारीख को। बीते दिनों किस राज्य के सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव आरंभ हो गया है? तो ये मंदिर है जी तमिलनाडु में। ठीक है ना, आप मंदिर को देखिए। तमिलनाडु में कुछ नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मादुमलाई नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क। बीते दिनों किस महिला टीम ने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये लद्दाख की महिला टीम ने जी 7वीं राष्ट्रीय और आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है जी। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीम भाग ले रहे थे, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। लद्दाख ने फाइनल में दिल्ली को 2-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। IHAI का अध्यक्ष KL कुमार हैं। बीते दिनों किसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये है M नागराज और इनको हुडको के अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में है जी। हुडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने 4.6% किया है जी। किसने? SBI ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2.8% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में बताया, उद्योग में 2.5% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि होगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट इस साल 2 स्थान गिर गया और 84वां स्थान मिला है जी। पिछले साल 82वां स्थान था। इस इंडेक्स में जापान को पहला स्थान मिला है, फिर सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से 3रे स्थान पर रहा है जी। मार्च 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा जी। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मतलब इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे और ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 5% बताया है जी 2020 में। उन्होंने 2021 के लिए 5.8% अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और मुख्यालय Washington DC। बीते दिनों किस राज्य के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मिनती मिश्रा का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के रहने वाली थी। इनका आप एक फ़ोटो देखिए, यही थी मिनती मिश्रा। इन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। चलिए, बीते दिनों किसने चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र में केबल बिछाने के कार्यों का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया है और वो हमारे देश के IT मिनिस्टर भी हैं। शुरुआत में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक 1450 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा।
अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। अब नेशनल पार्क देख लेते हैं अंडमान निकोबार में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलथे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन आइस नेशनल पार्क। साउथ एशियन ट्रेड एवं ट्रेवलर एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 27वां आयोजन होगा जी, और ये नई दिल्ली में किया जाएगा। देश के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 27वां संस्करण किसका? साउथ एशियन ट्रेड एवं ट्रेवलर एक्सचेंज एक्सपो 2020 का किया जाएगा। चलिए अब जवाब लेते हैं सवाल 261 का। बीते दिनों किस राज्य में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुभारंभ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है जी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जी। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पर दुनिया भर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर एशियाटिक लाइन पाया जाता है। आज का सवाल लीजिए, सवाल 262। भारतीय महिला वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो आप इसका आंसर बताइए और मुझे टाडा और वाडा के बारे में बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।